गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट आईटीआई। हम लोग इससे पहले जो है इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। ठीक है, नाम से ही पढ़ रहा सेमी कंडक्टर, मतलब अर्धचालक। ये पूरा चालक नहीं है, अर्धचालक है। पूरा चालक नहीं है तो अर्धचालक है। अर्धचालक क्या चीज है, इसमें करंट पास भी करवा सकता है, रोटरी भी, दोनों क्वालिटी होता है। पहले हम लोग चालक पढ़े थे, चालक में हम क्या डिस्कस किए थे, चालक में डिस्कस किए थे कि जो ऐसा धातु जो अपने से होकर धारा को प्रवाह करवा दे, ठीक है, धारा से बाहर कर दे, जिसके हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, जिसमें से एक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बाहर परमाणु के बाहरी ऑर्बिट में क्या सकता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। ठीक है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका हम लोग क्या पढ़े थे, 10 पर पावर माइनस 12 इसका जो है प्रतिरोधक का मान होता है कंडक्टर में। ठीक है, सेमी कंडक्टर में माइनस उसमें उसमें क्या चीज रहती है, 10 पर पावर माइनस 12। ठीक है, और इंसुलेटर के बारे में 10 पर पावर प्लस 12 रहती है। तब तो हमारी इसमें क्या रेजिस्टेंस जितना कम रहेगी उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर मेरा होगा। रेजिस्टेंस इसका ज्यादा, प्रतिरोध जितना ज्यादा रहेगा वो उतना अच्छा इंसुलेटर रहेगा। मगर क्या है, इसका बीच में क्या है, इंसुलेटर क्या किया, जो करंट को पास करने की क्षमता रखता है और रोकने की भी क्षमता रखती है। हम लोग सिम देखेंगे, सिम के बीच में क्या रखता है, वो कंडक्टर रहती है, उसका चारों पट्टी क्या रहता है, सिम। हम लोग देखेंगे सिम इस टाइप का रहती है। ठीक है, इसका बीच में ये कंडक्टर रहती है और चारों पट्टी क्या रहता है, ये प्लास्टिक का रहता है, इंसुलेटर रहती है। इसको हम लोग सेमी कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर उसे कहते हैं जो अपने से होकर करंट की धारा को आसानी से प्रवाह होने देती, पार होने देती है, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जो रोक दे, जिसमें रोकने की क्षमता, उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर पढ़ा है। सेमी कंडक्टर क्या है, नाम से समझ आ रहा है कि वैसे पदार्थ जिसमें प्रतिरोधक चालक तथा कुचालक के बीच में हो, जिसमें क्या प्रतिरोधक रोकने की क्षमता क्या, चालक मतलब कंडक्टर और कुचालक इंसुलेटर के बीच में हो। ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये एक मिश्र धातु है, ये धारा के बहाव में बहुत अधिक प्रतिरोधक उत्पन्न करते। ठीक है, धारा का प्रवाह हो रही है, जा रही है, उसमें जाकर बहुत ज्यादा प्रतिरोधक पैदा कर देती है, जिससे क्या होता है, धारा खुल के वापस नहीं जा सकती, खुल के क्या करती है, वो बह नहीं सकती, इसमें रुकावट पैदा कर देती है। इसको क्या कहते हैं, उत्पन्न पैदा करती है, स्टैंडर्ड प्रतिरोधक बनाने में उपयोगी है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड प्रतिरोधक है, क्योंकि धारा का पार करना दे रहा है और रोकने की क्षमता रखती है। तो रोकने की क्षमता कैसे रहेगी, इसमें प्रतिरोधक होगी, तो प्रतिरोधक उसको क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रतिरोधक बनाने में उपयोगी किया जाता है। ठीक है, उसका बाद हम क्या पढ़ेंगे, अर्धचालकों के विशेषता है, इसका क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी कंडक्टर। अर्धचालक की विशेषता क्या है, तो अर्धचालक की विशेषता क्या है, अर्धचालक की कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी कितना था, 10 पर पावर माइनस 7 से 10 पर पावर 2 मो पर मीटर। ठीक है, इसके बीच में निश्चित होती है, इसका बीच में ही रहती है। ठीक है, इसके सेमी कंडक्टर का चालकता कितना होती है, कितने से कितने बीच में होती है, 10 पर पावर माइनस 7 से 10 पर पावर 2 मो के बीच में रहती है, जबकि इसकी प्रतिरोधता मतलब रेजिस्टिविटी कितना रहती है, 10 पर पावर माइनस 1 से 10 पर पावर माइनस 7 के ओम मीटर के बीच में निश्चित रहती है। ठीक है, इसके बीच में निश्चित है। कंडक्टिविटी कितना रहती है, 10 पर पावर माइनस 7 से 10 पर पावर 2 मो पर मीटर, चालकता में कंडक्टिविटी का ये होता है। ठीक है, मो पर मीटर, और प्रतिरोधता क्या है, ओम पर मीटर, 10 पावर माइनस 7 से 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर के बीच होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेमी कंडक्टर की क्या क्या इसका खूबी है, क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो है, कौन कौन सा सेमी कंडक्टर, इसे क्या क्वालिटी है,
इसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, यूरेका, ठीक है, यूरेका या एक मिश्र धातु। यूरेका क्या है, एक मिश्र धातु, इसमें तांबा जो है 60% और 40% नीचे मिलाकर बनाया जाता है। यूरेका किसे बनाया जाता है, इसमें से तांबा जो है 60% और नीचे जो है 40% मिलाकर बनाया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रतिरोधक अधिक होती है और इसके पतली तार आसानी से बनाया जा सकता है। पतली तार आसानी से बनाया जा सकता है। इसका उपयोग प्रतिरोधक बॉक्स, थर्मोकपल, टायर स्टार्टरों के प्रतिरोधक तथा रेगुलेटर में होता है, ठीक है। ये क्या है, यूरेका एक मिश्र धातु, किसा मिश्र धातु है, तांबा और निकेल का। तांबा कितना रहती है, 60% और 40% निकेल मिलाकर बना। इसका विशिष्ट प्रतिरोधक अधिक होता है, ठीक है, और इसके पतली तार आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसका उपयोग जो है प्रतिरोधक बॉक्स, थर्मोकपल, स्टार्टरों के प्रतिरोध तथा रेगुलेटरों में होता है। दूसरा है जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर का यह भी है मिश्र धातु, इसमें 60% तांबा, 15% निकेल और 25% जिंक मिलाया जाता है। यह नर्म धातु होती है, इसका उपयोग प्रतिरोधक तार एवं अच्छे बल्ब बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रतिरोधक तार एवं अच्छे बल्ब बनाने में किया जाता है। तीसरा है मैग्नीन क्या है, इसमें 84% तांबा, 12% मैग्नीन और 4% निकिल बनाकर इसे मिश्र धातु बनाया जाता है। इसे परमाणिक प्रतिरोधकों व मांगे यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें परमाणिक सर्टिफाइड प्रतिरोधकों को व मांगे यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है, मैग्नीन को, ठीक है। मैग्नीन को क्या कहा जाता है, इसका परमाणिक मतलब सर्टिफाइड प्रतिरोध चाहे मांगा यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर जानते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा, यूरेका क्या है, यूरेका एक मिश्र धातु है, ठीक है। जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, एक मिश्र धातु है। तो जितना भी सेमीकंडक्टर एग्जांपल देंगे सब क्या है, मिश्र धातु ही होगा, ठीक है। यह मिश्र धातु, इसमें तांबा जो है 60% और 40% निकेल मिलाकर बनाया जाता है। इसके विशिष्ट प्रतिरोधक अधिक होती है, इसका विशिष्ट प्रतिरोधक क्या किया था, अधिक होती है, ठीक है। और इसका पतली तार आसानी से बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जो है प्रतिरोधक बॉक्स, थर्मोकपल, स्टार्टरों के प्रतिरोध तथा रेगुलेटरों में होता है, ठीक है। रेगुलेटर क्या चीज होता है, देखिएगा रेगुलेटर में क्या है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तब वो पड़ेगी क्या है, वो करंट का रोक के रखता है। जैसे उसका पावर जब हम रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस कम होती जाती है और करंट जो है ज्यादा फ्लो होने लगती है, जिससे हमारा क्या फैन जो उसका स्पीड जो है बढ़ जाती है। दूसरा है जर्मन सिल्वर, या भी क्या, एक मिश्र धातु है जिसमें से 60% तांबा, 60% तांबा, 15% निकिल और 25% जिंक मिलाया जाता है। यह नर्म धातु होती है। यह क्या सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या है, नर्म धातु। इसका उपयोग प्रतिरोधक तार एवं अच्छे बल्ब बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर क्या है, यह भी एक मिश्र धातु है जिसमें 60% तांबा, 15% निकेल और 25% जिंक मिलाया जाता है। क्या है, एक नर्म धातु है। कौन सा धातु है, नर्म धातु। इसका उपयोग जो है प्रतिरोधक तार एवं अच्छे बल्ब बनाने में किया जाता है। उसके बाद हम लोग मैग्नीन पढ़े, मैग्नीन क्या है, इसमें 84% तांबा होती है, 12% मैग्नीज होती है और 4% निकेल बनाकर इसे धातु बनाया जाता है। इसका परमाणिक प्रतिरोध व मांगे मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाँ तो नेक्स्ट चलते हैं प्लेटिनाइट, ठीक है। प्लेटिनाइट क्या चीज होता है, इसमें 64% तांबा, 15% निकिल और 20% जस्ता, 1% टंगस्टन धातु से मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, यह महंगी होने के कारण प्रमाणित यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लेटिनाइट क्या है, यह इसमें 64% तांबा, 15% निकिल, 20% जस्ता, 1% टंगस्टन धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाई जाती है। इसकी प्रतिरोधकता क्या चीज अधिक होती है, या महंगी होने के कारण प्रमाणित मतलब बड़ी बड़ी सर्टिफाइड
मशीन होती है इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नाइक्रोम, नाइक्रोम की यह भी मिश्र धातु है जिसमें 80% निकिल 20% क्रोमियम मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें इसका गलनांक क्या होता है, नाइक्रोम का गलनांक बहुत उच्च होता है। इसका उपयोग विद्युत भट्टी, हीटर, प्रेस, गीजर आदि में किया जाता है। देखते होंगे हीटर में क्या, उसका जो है हीटर में हमारी लगी रहती है इस टाइप का एक मट्टी रहता है, इसमें क्या इस टाइप का हमारी वो जो तार रहती है क्या चीज का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। क्यों, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, बहुत ज्यादा गर्म होने पर, बहुत ज्यादा गर्म होने पर इसको क्या होता है, ये गलती ऐसे जल्दी गलती नहीं है। इसलिए इसका उपयोग जो है हम लोग हीटर में किया जाता है, चार प्रेस में किया जाता है। क्या होता है, ये मेटल जो है, ये एलिमेंट जो है, ये किसका बना हुआ रहता है, ये मेरा बना हुआ रहता है नाइक्रोम का, ठीक है। बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछता है कि हीटर का तार किसका बना हुआ रहता है, ये किसका बना हुआ रहता है, नाइक्रोम का बनी हुई रहती है, ठीक है। क्यों बना हुआ रहता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा गर्म होगी ना तब वो गलेगी, ऐसे जल्दी नहीं गलेगी, इसलिए हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आइए कार्बन, नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन क्या है, यह एक अधातु पदार्थ है। जितना हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, पांच को पढ़े जो है, यूरेका वर्का पढ़ा है, पेरिटिनाइट पढ़ा है, नाइक्रोम पढ़े, ये सब क्या है, ये सब धातु है, एक तरह का धातु है। कार्बन क्या है, यह एक अधातु है, ठीक है, यह एक अधातु है। इसको प्रतिरोधक कम होता है, इसका प्रतिरोधक कम होता है और इसका विशिष्ट प्रतिरोधक अधिक होता है। इसका उपयोग जो है जनरेटर, डीसी मोटर में प्रयुक्त कार्बन बरस जो है कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग जनरेटर चाहे मोटर पढ़ेंगे तो कार्बन बरस क्या चीज होता है उसमें हम लोग बने से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन इसका खाली इतना याद रखना है कि डीसी मोटर के प्रयुक्त कार्बन बरस जो है हमारा कार्बन का बना हुआ होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सातवां नंबर पढ़ेंगे हम लोग केंथल, CnThn केंथल। यह पदार्थ क्या है, क्रोमियम, निकेल तथा लोहा आदि धातुओं से मिलकर बनी है। यह भी एक मिश्र धातु है। इसका विशिष्ट प्रतिरोधक एवं गलनांक उच्च होता है। विद्युत फर्नेस के एलिमेंट जो है केंथल के बने होते हैं, ठीक है। विद्युत फर्नेस जो है एक प्रकार का विद्युत फर्नेस जो है क्या, एक प्रकार का पावर प्लांट में यूज होती है। यह विद्युत फर्नेस का जो एलिमेंट जो होती है ये किसका बना होता है, कैसे पर, क्यों, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोधक और गलनांक उच्च होता है जिससे ये मेटल जल्दी गलती नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत फर्नेस में किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तीनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग तीन टॉपिक क्या क्या पढ़ चुके हैं, कंडक्टर पढ़ चुके हैं, इंसुलेटर पढ़ चुके हैं, आज सेमीकंडक्टर पढ़े, ठीक है। कि तीनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे कि प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक कंडक्टर क्या था, सेमीकंडक्टर क्या चाहता है, इंसुलेटर क्या चाहता है, इसका बीच में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग जो है कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप लोग का जवाब दिया जाएगा, चाहे प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।